स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं तत्सम तद्भव। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा। इन 5 मिनट में आप लोग तत्सम तद्भव 2 सेकेंड में पहचानना स्टार्ट कर देंगे। ओनली वन 2 सेकेंड भी नहीं लगा करेगा कि आप लोग पहचान लिया करेंगे कि तत्सम तद्भव आखिर होता क्या। ठीक है, पहले थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, इसके बाद में आपको ट्रिक बताएंगे। देखो, आप सभी लोग जानते होंगे तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तत्सम होते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से उठा करके हिंदी में कर दिया गया है, उनको कहते हैं हम लोग तद्भव शब्द। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि तत्सम जो है ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलो। तद्भव की बात करें तो समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। हमने आपसे क्या कहा, तत्सम शब्दों से ही निकाल के तद्भव शब्द बनाए गए आपके। क्लियर है, तत्सम संस्कृत शब्द, तद्भव जिनमें कुछ परिवर्तन हो गया तत्सम शब्दों में और वो हिंदी में प्रयोग हो गए, तत्सम होते हैं। अब देखो, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, यानी ट्रिक नंबर 1। देखो, जिन तत्सम शब्दों के पीछे छाछत्री वर्ण का प्रयोग हो और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग हो, बात समझना। तत्सम शब्दों के पीछे छाछत्री का प्रयोग होगा और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का प्रयोग होगा, तो आप लोग समझ जाना कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, क्षत्रिय को खत्री कह दिया गया। क्या कह दिया गया, क्षत्रिय को खत्री कह दिया गया। तो ये जो क्षत्रिय शब्द था, है ना, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में खास वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आप इस क्षत्रिय से देखिए खत्री बनाया गया, छार से देखिए खार, छत से देखिए छत बना, छती से ये छती बना, छीड़ से ये छीन बना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो परिवर्तन हो रहा है काय का, छा वर्ण का काय में हो रहा है, खा या छा छाता में हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या चीज याद रखेंगे, तत्सम शब्दों में क्षत्रिय वर्ण मिलेगा, तद्भव शब्दों में खत्री वर्ण मिलेगा। यानी छा क्षत्रिय जो होगा खा खरगोश या छा छाता में चेंजमेंट हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव तत्सम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छार को छा को खा में चेंज हुआ, छा को खा में चेंज किया, छा को छा में चेंज किया, छती को इस छते में किया, छीड़ को छीन में किया। तो यहां से आप समझ सकते हैं पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है, तत्सम शब्दों में ये श्री वाला सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में इस वाले सा का प्रयोग होता है। पहली चीज देख लो भाई, अगर इस वाले सा का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाना तत्सम है तुरंत एक झटके में। इस वाले का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाना तद्भव है तुरंत। ठीक है, तत्सम शब्दों में इस वाले सा का प्रयोग और तद्भव में तो इस सा का होना ही है, मतलब ये दोनों सा का प्रयोग काहे में होता है, तत्सम में होगा। ठीक है, काहे में होगा, तत्सम में होगा। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर हमें तत्सम नहीं आता, तद्भव नहीं आता। तत्सम शब्दों में इस वाले सा वर्ण का भी प्रयोग होता है, मतलब ये वाले तीनों एक श्री वाला सा, सिर्फ आप सपेरा वाला सा का प्रयोग तद्भव में होगा ओनली वन, बाद बाकी तीनों सा जो होंगे वो तत्सम में प्रयोग होंगे। चलो भाई, जैसे आप देख लो, सूर सूरज, स्वर्ण का सोना, स्तन का थन, सूची का सुई, सुभाग का सुहाग, शिक्षा सीख, शुष्क सूखा, सत्य सच, सर्प सांप, श्रृंगार का श्रृंगार, सत सौ, सप्त सात, सरकर शक्कर, सिर सिर, श्रृंग सिंह। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझाते हैं। आप लोगों ने कहा होगा सर जी आप इनका हमको एग्जाम्पल जो दे रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। हमने आपसे कहा अगर आपको ये श्री मिलेगा तब सा में प्रयोग होगा, इसलिए हम बैक ले आए फिर से। अगर आपको ये श्री वाला मिलेगा बेटा तब सा में प्रयोग होगा। अगर किसी तत्सम तद्भव में सा का सा में ही होता है तो वो अलग बात, ऐसा एक आदमी मिलेगा।
जब इन अक्षरों का प्रयोग होगा हम तब की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये, अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आपको सर जैसे ये लिखा है, अगर आपको सर इस प्रकार की जब बिंदी मिल जाती है ना, तो ये तद्भव के अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत सर? तद्भव के अंतर्गत सर काम करती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे सूर्य था, इसका सूरज हुआ है ना, अब सूर्य में क्या होता है, आपको एक चीज बता दें, जितने भी रा उड़े होंगे ज्यादातर 99% किसमें होंगे सर? तत्सम में होंगे। कायम होंगे, तत्सम में होंगे, इसको नोट कर लो। ये जो बिंदी होगी ज्यादातर साहब सर कायम होगी, तद्भव में होगी। कायम होगी सर, तद्भव में होगी, आप लोग इसको भी सर नोट कर लें, ठीक है। अब आप देख लो, अब आपको अगर एक भी ऐसा लग रहा हो तो आप हमको बताना। हाँ, एक चीज और बता दें, ज्यादातर 99% मात्रा में तत्सम में आपको क्या मिलेगा? तत्सम में आपको आधा अक्षर मिल सकता है। कैसा अक्षर? आधा अक्षर आपको मिल सकता है, इतना। और याद कर लो जो पीछे लाइन याद कराई थी, इसके बाद अब आप इसमें मैच करो कि आपको कौन सा समझ नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे सर अब तो सारे समझ आ रहे होंगे, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, तत्सम शब्दों में ऋषि ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तत्सम शब्द में प्रयोग की जाती है। तो आप इस तत्सम को देख रहे होंगे, है ना, ऋषि ऋषि की मात्रा अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि तत्सम है, क्लियर है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे सर ये SS एजुकेशन स्टडी क्यों लिखा, पहले हमारे चैनल का नाम यही हुआ करता था, ठीक है, लेकिन किसी एक समय फिर हमने क्या उसका नाम किया, प्रूव कर, साबित करना, अपने चैनल जो मेरा नाम है प्रूव कर नाम है, क्योंकि आपको हर चीज को प्रूव करना पड़ता है आज के ज़माने में, साबित करना होता है, इसलिए हमने यहाँ से उठा के फिर उसका प्रूव कर दिया। और अगर आप आज भी सर्च करेंगे SS एजुकेशन स्टडी तो हमारा यही चैनल फिर शो होगा आकर के, प्रूव कर, ये नहीं शो होगा। ये PDF हम आज के 2 साल पहले बनाए थे, है ना, उसी PDF से आज हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखो, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जो तत्सम शब्द होंगे उसमें इस रा की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे रक्षा, रक्षा का क्या होता है? राखी। रज्जु, रस्सी। रिक्त, रीता। अब आप कह रहे होंगे सर जी यहाँ पर तो मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो हम आपको समझा दें, तत्सम जो शब्द होता है, हमने आपको अभी बताया था, तत्सम शब्दों में ज्यादातर आपको क्या मिलता है? आधा अक्षर मिल जाता है, पहली चीज। अब आप देख रहे होंगे तत्सम शब्दों में इस रा का, आप कहेंगे सर इसमें भी रा आ रहा है। वो हमने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं होता है कि जो अक्षर हो उसका तत्सम भी उसी चीज से हो जाए, सॉरी तद्भव भी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऐसा भी हो जाता है कि जिस अक्षर से तद्भव है उस अक्षर से तत्सम भी एक ही अक्षर से दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये याद रखना है, रा की मात्रा वाला, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आधा अक्षर मिले रा की मात्रा, जैसे सूर में आपने देखा होगा सूर में रा की मात्रा लगती है, बताओ। अभी आपको पीछे दिखा के आए, आप देखो सूर जो था तत्सम शब्द था, स्वर्ण जो था तत्सम शब्द था कि नहीं था, सर्प जो था तत्सम था कि नहीं था, श्रृंगार में नीचे रा उड़ता है तत्सम था कि नहीं था, सरकर में ऊपर रा उड़ता है तत्सम था कि नहीं था, संग में रा उड़ता है तत्सम था कि नहीं था, ये हमने बता भी दिया था रा उड़ा के कि अगर रा उड़ेगा। अब इस रा का मतलब आप सारी मात्राओं से लगा लें, जितने भी रा की मात्राएं होती हैं उससे इसका सेंस लगाया गया, ठीक है। आगे चलो, अगला है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। तत्सम में वा होगा और तद्भव में बा होगा, याद करना। जैसे बानर, ये तत्सम होता है, बंदर तद्भव। तो आपने देखा तत्सम से तद्भव, बत से बच्चा, विवाह ब्याह, वधु बहु, बास भाप, विद्युत बिजली, वार्ता बात। अब देखो रावड़ा यहाँ पर मिला आपको, बताओ रावड़ा मिला कि नहीं मिला? एक तो रा वाला ही मिल गया, आधा अक्षर वाला देखो मिला कि नहीं मिला? बस अब बच्चे में भी आधा अक्षर होगा, ऐसी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अब उसके लिए आपके सामने रूल दूसरा है, वा वट अगर आ जाए तो सर तत्सम होगा, और अगर वा बकड़िया आ जाए तो सर तद्भव होगा। एक आपके सामने ये भी तो क्राइटेरिया आ गया है, अब आप इस चीज को याद रखें तो याद रख पाएंगे। चलो भाई आगे,
तत्सम शब्द तद्भव शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं, आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव, जैसे आम, आम्र का आम, रावड़ा नीचे, आश्चर्य का आचरज, अच्छी का आंख। अब देखो हमने आपसे कहा था चंद की बिंदी आएगी तो समझ जाना तद्भव, आंख में तद्भव होता है। अग्नि, अमूल, अमोल, आग, ये तो उदाहरण है, अब ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक थी पीछे थी। अब देखो हम आपको दिखाते हैं अगली चीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। ये तो सारे के सारे उदाहरण दिए गए हैं, है ना, आप देख रहे होंगे। देखो उदाहरण में हम आपको दिखाते हैं, ये षटकोण हमने बताया था कि तत्सम में आता है, बताया था, देखो तत्सम में आ रहा है, नीचे रावड़ा हमने बताया था तत्सम में आएगा, ये देखो छा छाता तत्सम में बताया था, भी छा छत्री आएगा बताया था ना पीछे, तो आप देख लो, है ना। इसके बाद आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्या है इसमें, ऐसा क्या है, रावड़ा है, आधा अक्षर है आपके, ठीक है, ये आ वाले हैं। इसके बाद में और देखिए, ये तो आपके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही पढ़ लेने। अब देखो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ऊ से शुरू होने वाले तद्भव तद्भव तत्सम, ये आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था पीछे ही था, ठीक है। ये आपको सारे PDF हम दे देंगे, ये आपको पढ़ लेनी है अपनी PDF और अच्छे से इसको तैयार करना है, बहुत बड़ी PDF होगी हमें पता है, बहुत सारे तद्भव तत्सम होंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे, इसको आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे। अगर आपको PDF चाहिए उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और जितनी चीज़ें हमने आपको बताएं उनको याद रखें। अगर रा उड़ा मिल जाए, रा किसी भी प्रकार का आपको मिल जाए, ये आप एक बार फिर से हम बता दें, जब आपको कुछ ना समझ में आए तब आप तत्सम करना। चंद की बिंदी, अंग की बिंदी मिल जाए, कुछ ना समझ में आए तो ये तद्भव के अंतर्गत कर देना। आधा अक्षर आपको मिल जाए, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप तत्सम कर देना। ऋषि ऋषि आपको मिल जाए, कुछ ना समझ में आए तो आप तत्सम कर देना। सा ये वाला, सा ये वाला, सॉरी ये वाला सा अगर मिल जाए तो तद्भव करना, और अगर ये सहा और ये सा और ये सा मिल जाए तो आप तत्सम कर देना, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, अगर आपको वा वट मिल जाए तो आप तत्सम करना, और अगर आपको बा मिल जाए तो आप तद्भव करना, ठीक है। इतनी चीजें ही आपको, इतने अक्षर ये कंपलसरी हैं जो आपको अधिकतर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इन्हीं अक्षरों का आप प्रयोग करके, इसी वीडियो का आप प्रयोग करके तद्भव तत्सम पेपर में बता सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज हम आपको बताएं, और हम इसके लिए आपके लिए और चीजें निकाल के लाएंगे और भी आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, और इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ना, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।